और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट शो हम तो सच दिखाएंगे केबीपीएम न्यूज लाइव पर। आइए पहले एक झलक कोरोना केसेस पर डाल लेते हैं। कोरोना का कहर अब शहर से गांव की तरफ बढ़ चला है। वाराणसी का कसाई गांव अब इसकी कीमत चुका रहा है। इस गांव में 3 दिनों में 7 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। यूपी में कोरोना वायरस के एक्टिव केस कम हो गए हैं। अब रोज आ रहे आंकड़ों से राहत मिल रही है क्योंकि नए केसों से रिकवरी रेट ज्यादा है। हाई रिस्क लेवल टेस्टिंग जारी है। लोगों ने चैन से सांस लेनी शुरू कर दी है लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है कि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने फैलना शुरू कर दिया है। वहीं पर यूपी बोर्ड 10वीं तथा 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लॉकडाउन के चलते शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद कर दिए गए थे जिसके चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की तैयारी रुक गई थी। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक के बाद फैसला किया है कि स्कूल और कॉलेज 20 मई के बाद से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थी अपने एग्जाम की तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे। राज्य में आंशिक लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है लेकिन छात्रों को हो रहे पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस पर लगी रोक को 20 मई से हटा दिया जाएगा। हालांकि अभी भी ऑफलाइन क्लासेस आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है मगर बोर्ड परीक्षार्थी ऑनलाइन क्लासेस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। बता दें कि लगभग 56 लाख उम्मीदवारों को इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है। अब आते हैं आज के एपिसोड पर। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान टोकटे अगले 12 घंटों में और भयंकर रूप ले सकता है। आशंका जताई जा रही है कि यह चक्रवाती तूफान अभी और गति पकड़ेगा जिसके कारण सोमवार को 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार की हवाएं चली हैं। चक्रवाती तूफान टोकटे के कारण कई प्रभावित इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के तटीय जिलों और दीव तट के लिए चेतावनी जारी की है। मंगलवार सुबह जब तूफान के यहां आने की आशंका है इसके कारण एनडीआरएफ के राहत दल की 5 टीमों को पुणे से अहमदाबाद भेजा जा रहा है। हालांकि टोकटे तूफान गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है लेकिन अभी भी केरल कर्नाटक गोवा और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने बताया कि इस चक्रवाती तूफान के कारण 6 जिलों में बीते 24 घंटे में भारी बारिश देखने को मिली है और अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। द हिंदू अखबार के अनुसार केरल और एर्नाकुलम और कोझिकोड जिले में तूफान के प्रभाव के कारण 2 लोगों की भी मौत हुई है। वहीं करीब 2000 से अधिक लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों की व्यवस्था में चले गए हैं। राज्य में शनिवार को औसतन 145.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारतीय मौसम विभाग की आंकड़ों के आधार पर कहा कि इस चक्रवर्ती तूफान से बिजली आपूर्ति सुविधा और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। चक्रवर्ती तूफान के कारण तमिलनाडु के कई तटीय जिलों और लक्षद्वीप समूहों में भी तेज बारिश हुई है। अगले 48 घंटों में कर्नाटक के तटीय इलाकों महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की आशंका है। इसके कारण पेड़ गिर सकते हैं, घास फूस के बने घरों को नुकसान हो सकता है और सड़कों पर भी प्रभावित हो सकती है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि ये चक्रवाती तूफान टोकटे 18 मई दोपहर या शाम तक पोरबंदर और नालिया के बीच गुजरात तट से टकराएगा। इससे हवा की गति 175 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के गुजरात तट से टकराने से तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा जूनागढ़ गिर सोमनाथ सौराष्ट्र कच्छ दीव पोरबंदर देवभूमि द्वारका अमरेली राजकोट और जामनगर में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार टोकटे चक्रवात 18 मई को गुजरात तट को पार करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। उस समय इसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की कि यह चक्रवात ऐसे समय में आया है जब भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने बताया कि यह चक्रवात शनिवार को कर्नाटक के तट से टकराया। राज्य के गृह मंत्री के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने लिखा है कि चक्रवात टोकटे कर्नाटक के तट से टकराया है। NDRF की 2 टीमें वहां मौजूद हैं। इसके अलावा SGRF की 3 अन्य टीमें भी तैनात की जा रही हैं।
करीब 1000 लोग कर्नाटक के तटीय इलाकों में दिन रात काम करेंगे। बीएमसी नगर निगम 500 से अधिक कोविड मरीजों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करेगा। तूफान के कारण मुंबई में तेज हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश की आशंका जताई जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को इस संबंध में एक मीटिंग की। महाराष्ट्र चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 5 राज्यों में से एक है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। खासतौर पर तटीय इलाकों जैसे पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग में हर सुविधा के साथ तैनात रहने को कहा गया है। भारतीय रेल ने चक्रवाती तूफान के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ ट्रेनें अपने नियत समय से देरी से चल रही हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चक्रवात के मद्देनजर तटों पर लाइफ सेविंग मशीनों को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि चक्रवात के पैदा हुई किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व अरब सागर, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। भारतीय वायुसेना ने 16 ट्रांसपोर्ट विमान और 18 हेलीकॉप्टर चक्रवात से उपजी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखे हैं। चक्रवात के कारण पैदा स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के दौरान ये तय किया गया कि कैबिनेट सचिव तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों के लगातार संपर्क में रहेंगे और गृह मंत्रालय खुद इस स्थिति पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है। चक्रवात क्यों आते हैं, आइए इसे भी आज जान लेते हैं। भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहते हैं। चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून, ये तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। इनके घूर्णन की दिशाएं भी अलग अलग होती हैं। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्यों आते हैं चक्रवात, इसे भी देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर आगे बढ़ती है, इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात तेजी से घूमती हुई हवा होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती। इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उसमें नमी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब समुद्र के तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। इसका कारण जमीन पर हवा का उच्च दबाव होना है। चक्रवात की दिशा का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार चक्रवात अपना रास्ता तट से टकराने से पहले हवा के दबाव के चलते बदल लेते हैं। हवा की रफ्तार के हिसाब से इन चक्रवातों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी 1 में 119 किलोमीटर प्रति घंटा से 153 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक, श्रेणी 2 में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, श्रेणी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी 5 में इससे भी अधिक वाले तूफान आते हैं।
रफ्तार के तूफान होते हैं ये। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, कल फिर मुलाकात होती है एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा शो हम तो सच दिखाएंगे केबीपीएन न्यूज लाइव पर। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे।